इस वीकेंड और लास्ट वीकेंड टोटल मिलाकर के फाइव मूवीज रिलीज हुई हैं और इन पांचों मूवीज का रिव्यू मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूं। के से शुरू करते हैं, इस में दो हैं। पहली गया है ऐसा नहीं है की पहले ऐसी मूवीज कभी बनी नहीं है बट आफ्टर सो मेनी रॉम कॉम मूवीज दिस वॉज अ लिटिल रिफ्रेशिंग इन थिएटर और दूसरी नई बात वेदांग रहना हुआ जॉब वेदांग की एक्टिंग इतनी बढ़िया है की पंद्रह कोणों की मिलती उसको है अंकुर को बट कोड़े गिनते स्क्रीन पे आप हो अ न्यू फेस एज एन एक्टर इन बॉलीवुड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इस मूवी के डायरेक्टर हैं वसन बाला जिन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता जैसी एवरेज और बॉम्बे वेलवेट जैसी सुपर फ्लॉप मूवीज दी है कास्टिंग में है आलिया भट्ट वेदांग रैना मनोज पावा एंड विवेक गोम्बे जिन्होंने जेलर का रोल प्ले किया है उनका रोल काफी अच्छा है I mean, आई मीन एक्टिंग काफी अच्छी है बट क्लाइमेक्स आते आते वो अचानक से बाहुबली बन जाते हैं वो थोड़ा सा एब्जॉर्बिंग नहीं था जो बचपन दिखाया गया है आलिया भट्ट दोनों भाई बहन उसमें जो ठीक है ना ठीक है ना करके एक लाइन बोलती है वो लड़की दैट ठीक इज एग्जैक्टली साउंडिंग लाइक आलिया भट्ट कास्टिंग इज लिटरली परफेक्ट सो अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी ये है की अंकुर सत्या का भाई अपने बिजनेस के फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए अपनी कंट्री से बाहर जाता है और बाहर देश में वो ड्रग के केस में फंस जाता है जिस कंट्री में नो मर्सी फॉर ड्रग ऑफेंडर्स फाइनल कोर्ट की हियरिंग में डेथ बाय इलेक्ट्रिक्यूशन विद इन थ्री मंथ्स मतलब एक ऐसी सजा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक सेकंड में इंसान खत्म वो होता है ना पूरे साल की पढ़ाई एग्जाम से जस्ट चार दिन पहले करना सेम वैसी ही कहानी इधर भी चल रही है पूरी जिंदगी को बचाने के लिए सिर्फ तीन महीने मिले हुए हैं भाई को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है ऐसी पर्सनालिटी रखने वाली सत्या पूरे देश से पंगा लेने की ठान लेती है अब वो क्या करती है कैसे करती है इसी पे पूरी मूवी बनाई गई है स्टोरी लाइन एक बार शुरू हो जाती है तो मूवी में कुछ भी नया नहीं है सेम वही स्टोरी है जो सावी मूवी में हस्बैंड वाइफ के बीच में दिखाया गया है रॉक स्टार मूवी के डायरेक्टर इम्तियाज अली ने अपने इंटरव्यूज में यह बात कही है की हर मूवी में कुछ ना कुछ पीछे जरूर छूट जाता है और मेरे हिसाब से मास मूवीज में जो पीछे छूट जाता है वो होता है लॉजिक और ऐसा हर मूवी में होता है वो ब्लॉक एनिमल मूवी हो या सुपर फ्लॉप बड़े मियाँ छोटे मियाँ अक्षय कुमार की बड़े मियाँ छोटे मियाँ को अगर टाइगर श्रॉफ की वजह से क्रिटिसाइज कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो जिगरा एक एक्शन एक मूवी बिल्कुल भी नहीं है ऑडियंस को गुमराह करने के लिए इस तरह की की मूवीज मूवीज को एक्शन कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए दैट आलिया भट्ट इज इज डूइंग एक्शन इन जिगरा नो शी शी नॉट प्लेड वेल हर कैरेक्टर एक्टिंग की बात में किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकते बट स्क्रिप्टिंग एक टाइम के बाद आपको बोरिंग लगने लगती है लगभग एक घंटे की मूवी के बाद एक फाइट सीन स्टार्ट होने से जस्ट पहले आलिया भट्ट के डायलॉग के थ्रू ये बताया जाता है कि सत्या जो आलिया भट्ट है वो कराटे में येलो बेल्ट रह चुकी है अगर बहुत सारे रूल्स वूल्स नहीं होते तो वो ब्राउन बेल्ट होती मुझको लगता है कि उसके बचपन की स्टोरी को जब दिखा रहे हैं उसको दिखाते वक्त ही ना वो एक सीक्वेंस डाल सकते थे कि वो कराटे में इन्वॉल्व थी सो जो ये डायलॉग में मुंह से बुलवा करके एक्शन सीन को जस्टिफाई करने की कोशिश की है ना कि पिद्दू सी लड़की इतने बड़े बड़े लोगों को मार रही है इसको अगर बचपन में थोड़ा सा दिखा देते तो ऑडियंस ज्यादा बेटर तरीके से जस्टिफाई कर पाती की लड़की ऐसा एक्शन कैसे कर पा रही है सो इमोशनली ड्रिवन स्क्रिप्ट ज्यादा है ना कि ये फुली एक्शन मूवी है जब उसको पता चलता है उसका भाई जेल में और वो मिलने के लिए जाती है वहां पे एक सिंगल शॉट चल रहा होता है और कैमरा के मूवमेंट की, की वजह से जो टेंशन जनरेट होता है ना वो सीन पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा मुझे अदरवाइज ठीक है मूवी दूसरी मूवी 97 परसेंट पारिवारिक और तीन परसेंट महापारिवारिक आई एम टॉकिंग अबाउट विक्की विद्या का वो वाला वीडियो लीड रोल में आपको मलिका शेरावत विजय राज एनिमल से भाभी टू और स्त्री से विक्की भैया देखने को मिलेंगे विक्की भैया के साथ भाभी टू का आत्म मिलन समारोह के वीडियो की सीडी घूम गई है उसी सीडी के इर्द गिर्द सारे कैरेक्टर्स घूमते हैं मूवी में इंटरवल के बाद एक खिचड़ी शुरू होती है की वो चार लोगों को डाउट हो रहा है की वो उनकी वीडियो वो उनकी वीडियो और वो चारों लोग खिचड़ी मचा दे रहे हैं जैसा नॉर्मली कॉमेडी मूवी में होता है किडनैपिंग किसी की हुई और लगता किसी को है ये खिचड़ी अगर थोड़ी देर पहले शुरू हो जाती तो थोड़ा सा ज्यादा एंगेजिंग होता फिल्म में कोई एक कैरेक्टर आ रहा है और वो आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी एक लाइन बोल रहा है उस लाइन के कंटिन्यूएशन में अगला इंसान एक पंच मार रहा है कॉमेडी के नाम पे टिकटॉक के या जो सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में जोक्स आते हैं इस तरीके के जोक्स देखने को मिलने वाले हैं तो इनकी टारगेटेड ऑडियंस में भी हर कोई नहीं है कुछ जोक्स मूवी के स्क्रिप्ट के साथ कहीं कहीं चले जाते हैं मतलब इतना बुरा भी नहीं था पर बिल्कुल नया भी नहीं था ड्रीम गर्ल एंड टू बोथ मूवीज आर डायरेक्टेड बाय द सेम डायरेक्टर एंड इवन द सेम डायलॉग हैज बीन कॉपीड फ्रॉम द मूवी ड्रीम गर्ल वो चप्पल चोरी होने वाला एग्जैक्ट वर्ड डाले गए हैं एक अच्छा कैरेक्टर अपने किरदार को कितना भी पकड़ के रखने की कोशिश करे पर वो स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले कोना थ्री सिक्सटी चेंज नहीं कर सकता है सो so, मैं एक्टिंग के परस्पेक्टिव से बात ही नहीं कर रही हूँ हर एक्टर अच्छा है तृप्ति डिमरी राजकुमार राव से ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री आपको मल्लिका शराव एंड विजय राज की देखने को मिलेगी अगर इस तरह की कॉमेडी मूवी देख करके आपको हेवी फील होता है तो आप जिगरा मूवी देख सकते हो टीवीडी वाले टाइम को दिखाने के लिए पुराना टाइम दिखाया है पुराना आउटफिट दिखाया है उस एरा में किस तरीके का अटायर होता था इन चीजों को कैप्चर करने की कोशिश की है बट बहुत डिटेलिंग में काम नहीं हुआ है ये आपको स्क्रीन पे हर जगह दिख करके आता है चाहे वो सेट हो चाहे वो घर का इंटीरियर हो इवन कॉस्ट्यूम में भी वो रिफ्लेक्ट होता है तो उस एरा को दिखाकर के 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 आज के जमाने के लोगों के अंदर से शम्मी कपूर को निकाल करके रख दे। इस तरीके का ना मेन म्यूजिक है ना बैकग्राउंड म्यूजिक है और ना ही एक भी डायलॉग्स है मूवी के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही राजकुमार राव ट्रेन के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं सुसाइड करने के लिए आप गेस कर लोगे क्यों क्योंकि ट्रेलर में दिखा रखा है उसके बाद आपको ना ये फील भी नहीं होगा कि ऐसा क्यों कर रहा है वो एक सस्पेंस डालने की कोशिश की है पर... उससे ऑडियंस को बिल्कुल सस्पेंसफुल फील होता ही नहीं है मूवी को बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं बोल सकते क्योंकि एंड में क्लाइमेक्स में मूवी आपको एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी देती है सो टू पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव स्टार्स बट अगर आपको सेम टॉपिक और ऐसे रोमांस टाइप के कॉमेडी टाइप के कॉम्बिनेशन में मूवी देखिए तो डेफिनेटली आप सत्यप्रेम की कथा देखो बिल्कुल देखो जरूर देखो तीसरी फिल्म का नाम है द सिग्नेचर रिलीज ऑन जी फाइव अगर आपने लाइफ में कभी पैसा नहीं बचाया है तो इस मूवी से आपको सेविंग्स की वैल्यू समझ में आ सकती है फॉर योर रिटायरमेंट वाला ला लाइफ मूवी में बड़े रोल्स में आपको अनुपम खेर अनु कपूर एंड महिमा चौधरी देखने को मिलेंगी मूवी की टारगेटेड ऑडियंस ओल्ड एज लोग हैं बहुत टाइम बाद किसी मूवी को देख करके बागवान जैसी फीलिंग आई थी कि एक मूवी हम जनता के लिए काफी नहीं थी पेरेंट्स के ताने सुनने के लिए जो एक और आ गई बट थैंकफुली ये मूवी उतनी सक्सेसफुल नहीं है तो पेरेंट्स तक सक... पहुंचेगी भी नहीं बागवान जैसा म्यूजिक वाला ड्रामा नहीं है सो डोंट एक्सपेक्ट टू मच सॉन्ग बहुत ही लो बजट मूवी लगी कुछ कुछ सीन्स में एक आधा गजल वगैरह म्यूजिक के नाम पे आपको सुनने को मिल जाएगा स्टोरी में इन द वेरी फर्स्ट सीन अनुपम फेर की वाइफ को अटैक आता है हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं पता चलता है ब्रेन हेमरेज है एक हस्बैंड की ओल्ड एज लाइफ की फाइनेंशियल क्राइसिस की स्टोरी है कहानी का मेन हिस्सा ये है की वो सारी मशीनरी सुविधाएं जो महंगी है उन्हें हटाने के लिए हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी के हिसाब से एक सिग्नेचर की जरूरत है कहता है कि मशीन चलती रहेगी तो मधु जिंदा रहे क्योंकि रिकवरी भी नहीं हो रही है और मशीनरी फैसिलिटीज की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस में भी वो चला जा रहा है इसी पूरी कहानी को ध्यान में रखते हुए देयर इज अ इमोशनल डायलॉग जिसमें वो अपनी कोमा में उसकी वाइफ होती है और उससे वो बोलते हैं कि तुम बिना सिग्नेचर लिए नहीं जाओगी ना मरने के लिए भी तुमको मेरे अनुमति की जरूरत है दिस मूवी इज लिटिल डिस्टर्बिंग सो प्लीज डोंट वॉच इफ यू आर फीलिंग सैड यू कैन वॉच इफ यू आर रेडी टू हिट दैट डीपेस्ट ह्यूमन इमोशन महिमा चौधरी के कैरेक्टर की एंट्री आपको एंगेज कर सकती है और वहीं से ही मूवी की क्वालिटी भी थोड़ी सी अपलिफ्ट होती है डेढ़ घंटे की इस फिल्म के लिए मेरी तरफ से थ्री आउट ऑफ फाइव अगर आप थोड़ा सा होने के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ के किसी मोमेंट को रिकॉल करने के लिए रेडी हैं तो Z5 पे आप इस मूवी को देख सकते हैं अगली मूवी आपके दिमाग में एक डाउट क्रिएट करने के लिए है टेक्नोलॉजी के इस टाइम में डेटा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है शुड यू प्रोटेक्ट दिस एसेट ये मूवी आपको बताएगी कंट्रोल की के सी टी आर एल शॉर्टकट पे ये मूवी का नाम है सी टी आर एल वी में आपको अनन्या पांडे एज नाइला एंड विहान सामत एज जो देखने को मिलेंगे सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ के हर मोमेंट को कैप्चर करके ऑडियंस को एंटरटेन करने

जनरेशन अगर उस पर्टिकुलर एज में देखेगी तो उनको भी रिलेटेबल लगेगा सेम विद दिस मूवी कंट्रोल आज मूवी शायद इतना रिलेटेबल नहीं लग रही है जितना आज के बीस साल बाद जब टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा ही बोलबाला हो जाएगा ना इस दुनिया में तब मूवी आपको रिलेटेबल लगेगी आई हैव रिकमेंडेड सीरीज ऑन द सेम टॉपिक यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगी ए आय शाह आयशा माई वर्चुअल गर्लफ्रेंड करके ऐसा एक सीरीज का नाम है बट उस पूरे सीरीज में जितना डिटेल में दिखाने की कोशिश की है ना एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उतने ही डिटेल में एक फिल्म की लेंथ थ में सेम कॉन्सेप्ट को रख दिया है विच वॉज हाईली इम्प्रेसिव पॉप सॉन्ग के जरिए दो चार मिनट में आपको बहुत फास्ट स्क्रीन प्ले के साथ एक स्टोरी बताई जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि उन्होंने अपने डेटा की एंट्री कहाँ कहाँ कितनी कैजुअली कर दिया है सो फास्ट फॉरवर्ड करके ना देखें शांति से पूरा देखें रही बात अनन्या पांडे की तो अगर हम अच्छे एक्टर की वजह से मूवी को अच्छा नहीं कह रहे हैं तो ट्रोल्ड एक्ट्रेस की वजह से मूवी को खराब भी नहीं कह सकते आई कैन नॉट से फोर आउट ऑफ फाइव क्योंकि इतनी भी अच्छी नहीं है बट डेफिनेटली थ्री पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव

एक लड़के और लड़की की होती थी अदरवाइज सेम टॉपिक पे कोई बुक पढ़ लोगे तो दैट विल गिव यू अ ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑन सच टॉपिक्स। थोड़ी सी कैजुअल कॉमेडी के साथ मूवी की कहानी को रखने की कोशिश की हो, क्योंकि इस तरह का टॉपिक सीरियस फॉर्मेट में बहुत ज्यादा ऑडियंस को हिट नहीं कर पाएगा दो लड़के एक दूसरे से आपस में शादी करना चाहते हैं एक दूल्हा कलकत्ता से है एक दूल्हा पंजाब से है कल्चरल डिफरेंसेज होने की वजह से उनको शादी करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है यही मूवी की कहानी है वन आउट ऑफ फाइव फ्रॉम माई साइड सो मैं इन पांचों मूवीज में से अगर तो ये एक मूवी सजेस्ट करना चाहूँ तो सी आपको जरूर देखनी चाहिए टेक की दुनिया में स्मार्टली अवेयर रहना कितना जरूरी है ये मूवी आपको बताती है जरूर देखिए डेफिनेटली अच्छी लगेगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक देना मत भूलिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिनको फिल्मों में इंटरेस्ट है सी यू इन माई न्यू वीडियो टेक केयर बाय